नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन कितना सुहाना है, आज का दिन कितना सुंदर है, आज का दिन खुशियों से भरा है, आज का दिन हैप्पीनेस डे है। यूनाइटेड नेशंस ने 2013 में इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे को डिक्लेयर किया। जरूरत पड़ी हैप्पीनेस डे को डिक्लेयर करने की, जिससे हम एटलीस्ट एक दिन हैप्पीनेस को समझे, हैप्पीनेस को जाने और हैप्पीनेस को अपनी जिंदगी में अपनाएं। जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो हम हैप्पीनेस की शुरुआत करेंगे आज माइंडफुलनेस से। माइंडफुलनेस में हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और अगर हमें ओम का जाप करना है हम ओम का जाप कर सकते हैं, अन्यथा हम केवल शांति से बैठ आवाजों को महसूस करेंगे, सुनेंगे अपने आसपास की आवाजों को, या हम कोई घंटी हो या कोई छेना हो, धीरे धीरे हम उसकी आवाज कर सकते हैं या उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसको हम बजा सकते हैं, जिससे हमारा पूरा ध्यान माइंडफुलनेस की तरफ लगे। क्योंकि हैप्पीनेस का रियल डोज है अगर हमारा माइंड हैप्पी होता है। तो शुरुआत करते हैं माइंडफुलनेस से। सभी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें और 2 मिनट 3 मिनट के लिए सब कुछ भूलकर माइंडफुलनेस करते हैं। ऐसे ही हम 2 से 3 मिनट या बहुत ज्यादा देर भी 10 से 15 मिनट, 15 मिनट से आधे घंटा, 1 घंटा, जितना चाहे रख सकते। जो चीज हमें खुशी देती है हमें वही करनी चाहिए, जो चीज हमें हैप्पीनेस देती है हमें वही करनी चाहिए। धीरे धीरे हम आंखें खोलेंगे और दुनिया की सुंदरता को देखेंगे, प्रकृति को निहारेंगे। आप देखिए, जब हम किसी गार्डन में बैठे होते हैं, फूलों की सुंदरता को हम निहारते हैं, हम तितलियों की इनोसेंस को निहारते हैं, तो हमें कितनी खुशी होती है। हैप्पीनेस यही होती है। कई बार हम कोई चीज खाते हैं, हम बोलते हैं मजा आ गया, हैप्पीनेस यही होती है। हैप्पीनेस शायद हमारे अंदर होती है, लेकिन अगर हम देखें आज के दिन ये शेयर करना शायद हमें थोड़ा सी तकलीफ होगी जानकर कि हमारी जो देश है, हमारी भारत भूमि जो है, यूनाइटेड नेशंस ने जब एक सर्वे निकाला है हैप्पीनेस क्वोशेंट का, तो हमारी कंट्री का नंबर 136 है, 136वें पोजीशन में हमारी कंट्री आई है। इतनी बड़ी कंट्री, इतनी विशाल कंट्री, जहां उत्सव, इतने सारे उत्सव हैं, रिश्तेदारी इतनी सारी है, तब भी हम 136 रैंक पर है। क्या कभी हमने इस चीज का चिंतन मनन किया है कि ऐसा क्यों? क्या हम खुश नहीं है? शायद हम खुश नहीं है, या हम दूसरों की खुशी से खुश नहीं। अपने अगर हम सोचें, ये व्यक्तिगत तौर पर हम सोचें, शायद हम दूसरों की खुशी से खुश नहीं है। और जब हम दूसरों की खुशी से खुश नहीं होते तो हमारे अंदर हैप्पीनेस नहीं आ सकती। हम इनसिक्योर हैं दूसरों की खुशी को देखकर, क्योंकि शायद वो हमें नहीं मिला। अगर मुझे नहीं मिला तो मुझे इनसिक्योरिटी होगी, इनसिक्योरिटी से जेलेसी भी हो सकती है, तो फिर तो हैप्पीनेस तो कहीं भाग ही जाएगी। तो हैप्पीनेस, और जब हम बात करते हैं इतने हमारे उत्सव होते हैं, क्या हम उन उत्सवों को उत्साह से मनाते हैं? क्या हम उस उत्सव का, जो फेस्टिवल्स के रियल एसेंस को समझते हैं? शायद नहीं, तभी तो हमारी कंट्री 136 रैंक पर है। मैं बिल्कुल ये नहीं मान रही कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये कंडक्ट किया है तो हम इस चीज को माने, मत मानिए, बिल्कुल मत मानिए, आपकी मर्जी है। मेरे दिल में ये विचार आया, मैं आपसे साझा कर रही हूँ कि शायद हम दूसरों की खुशी से खुश नहीं होते।
जिस दिन हम रियलिटी में खुश होंगे। आजकल तो अब जब व्हाट्सएप हम देखते हैं लोगों से तो थम्स अप भी नहीं होते किसी की खुशी में, किसी की कोई अचीवमेंट है या किसी का कुछ भी अच्छा हुआ है, खुश हो जाओ। हो सकता है कि ऊपर वाला ये देख रहा हो कि आप एक अच्छे इंसान हैं, तो शायद आपको भी थोड़ी बहुत खुशी मिली जाएगी, थोड़ी बहुत आपको भी अचीवमेंट मिल सकती है। लेकिन अगर आप दूसरे की खुशी में खुशी नहीं है, थम्स अप नहीं होते, इतने सारे इमोजीज हैं, लिखना तो दूर इमोजी तक नहीं यूज करते, तो इसका मतलब कहीं यही है कि आप दूसरे की खुशी से खुश नहीं है। दूसरी कारण ये भी हो सकता है कि आप परवाह नहीं करते, आप बोलते हैं कि अच्छा वो तो बहुत खुश है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो समझने की है नहीं कि हैप्पीनेस का जो हम अर्थ कहते हैं कि आप दूसरे की खुशी को भी छीनना चाहते हैं। उसने तो बड़े खुशी से बढ़ चढ़ कर कोई चीज आपके साथ शेयर करी या कोई अपनी उपलब्धि शेयर करी या कोई अपना एफर्ट शेयर करा और आप लीस्ट इंटरेस्टेड है, तो आप दूसरे की खुशी तो छीनेंगे। तो और एक बात याद रखिएगा, आप भी खुश नहीं रहेंगे तो तभी तो हमारी कंट्री 136 रैंक पर आएगी, और आई है, ये रियलिटी है। इतने सारे उत्सव, इतने सारे, हर दो दिन बाद कोई कुछ होता है हमारे कंट्री में, लेकिन तब भी, क्योंकि हम उसके रियल एसेंस को नहीं समझते। और इसका सबसे बड़ा कारण एक है, आप शायद मेरे से इस चीज में आप मानेंगे या हो सकता है आप डिसएग्री भी करें, जो सबसे बड़ा कारण है वो है हम चीजों की, व्यक्तियों की, प्रकृति की वैल्यू ही नहीं करते। क्योंकि जिस दिन हम वैल्यू करना सीखते हैं, चाहे वह हमारे रिश्ते हो, चाहे हमारे नाते हो, चाहे किसी की सच्चाई हो, अगर हम जिस दिन वो वैल्यू करना सीख गए तो हैप्पीनेस खुद ही आ जाएगी, चाहे वो पर्सनल सर्किट में हो या प्रोफेशनल सर्किट में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो या बड़ी लाइफ में हो, कि जब हम बड़े भी हो जाते हैं। और यकीन मानिए, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये कोई नहीं कहीं का ये कंडक्ट नहीं हुआ है कि बड़े होते हैं तो वो उनका हृदय बड़ा उदार हो जाता है, उनके हृदय में वो बोलते हैं कि हमें ही बस तुम सबकी चिंता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबको अपनी चिंता करनी चाहिए, जब सब अपनी चिंता करेंगे ना, सब खुश रहेंगे, खुशी से मिलेंगे। अब वैसे तो बोलो कि मुझे तेरी बड़ी चिंता है, और जब आप किसी से मिलते हो तो आप मुंह बनाकर मिल रहे हो, आप एकदम कॉर्नर में बैठे हुए हो, तो कहाँ से हैप्पीनेस तो है ही नहीं कहीं पर। इसका मतलब है आपको वो व्यक्ति से मिलने में कोई खुशी नहीं हो रही है। या आजकल बहुत सारे लोग अपने स्टेटस में, व्हाट्सएप में, अलग अलग बहुत फेमस मोटिवेशनल गुरुज की कोटेशंस कोट करते हैं, और रियलिटी में वो बिल्कुल ऐसे नहीं हो, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते। तो इसका मतलब है कि आप कुछ आर्टिफिशियल लाइफ जीना चाहते हैं, आपने आर्टिफिशियल लाइफ जीनी है, बहुत अच्छे से जिए। लेकिन अगर हमें हैप्पीनेस की हम बात करते हैं, जब हम इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की बात करते हैं, तो अगर मुझे जिस चीज में खुशी मिल रही है, अगर मैं वही करूंगी तभी मेरे को हैप्पीनेस मिलेगी। और इसमें एक बात याद रखिएगा, कई बार छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, वो किसी चीज को घिसर ते हैं, बड़ी गंदी सी आवाज आती है जो हमें इरिटेटिंग सी लगती है, लेकिन वो बच्चा हंस रहा होता है, हा, 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 बड़ा मुस्कुरा रहा होता है, हा, 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 वो फिर वो करता है, फिर हंस रहा होता है, हा, 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 और हम बड़े इरिटेट होते हैं। अब वो बच्चे को शायद इस चीज का ज्ञान नहीं है कि वो चीज, वो आवाज इरिटेटिंग है, क्योंकि वो उसको मजा दे रहा है। अगर हम बड़े होकर भी यही करें कि जो हम जिससे इरिटेट हो रहे हैं और हम सोचें कि ये इंसान इससे इरिटेट हो रहा है और हम करते रहें, तो वो हैप्पीनेस छीनने वाली बात है। आप किसी की हैप्पीनेस को छीन रहे हो, वो इंसान खुश है, वो सेटिस्फाइड है, वो अपने अपने एक संसार में खुश है, और लेकिन आप किसी की हैप्पीनेस छीन रहे हैं, और बहुत बार ये होता है। और एक और कारण भी होता है हैप्पीनेस का, ओवर रिएक्ट करना चीजों को लेकर। आप अपने लिए ओवर रिएक्ट करें, आपने जितना ओवर रिएक्ट करना है करें, आप अपने घर में हजारों किस्म के ओवर रिएक्शंस करें, लेकिन अगर हम पब्लिक फ्रंट में हैं, हम किसी चार लोगों से बात करते हैं, ओवर रिएक्ट करके बात नहीं करनी हमें, क्योंकि आपका वो जो ओवर रिएक्शन है ना, वो शायद आपको नहीं फर्क पड़ेगा, जिसके लिए आप बात कर रहे हैं उसको फर्क पड़ेगा, उसकी हैप्पीनेस आप छीन रहे हैं, उसकी हैप्पीनेस आप छीन रहे। चाहे आप कितनी भी बोले, मैं तो आपके लिए पता नहीं जिंदगी भर सोच रहा हूँ, रोज दुआएं मांग रहा हूँ, रोज पूजा पाठ कर रहा हूँ, नो,
टोटली रॉन्ग, क्योंकि आप किसी की हैप्पीनेस छीन रहे हैं। रियल एसेंस समझे ना हैप्पीनेस का, हैप्पीनेस का रियल एसेंस जिस दिन हमें समझ आ जाएगा, तो इंटरनेशनल जो डे ऑफ हैप्पीनेस है हम सब खुलकर मनाएंगे, और तब हमारी इतनी बड़ी जो कंट्री है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम, इतना अगर हम देखें हमारा जो इतिहास है, जो हमारे हमारी जो ये भूमि है, ये इतनी रिच है, ये इतनी रिच है, चाहे हमारे वेद पुराण हो, चाहे हमारा योग हो, चाहे हमारा आयुर्वेद हो, या कोई भी धर्म का हम ग्रंथ उठाकर देखें, इतना रिच है, रिच विद नॉलेज, रिच विद हैप्पीनेस, रिच विद ईच एंड एवरी गुड क्वोशेंट ऑफ लाइफ। लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं करते, हम उसको केवल देखते हैं, हम शायद उसको इतना अप्रिशिएट भी नहीं करते, क्योंकि कथनी और करनी जो होती है ना, हमारा जो कथन है और करना, अगर वो सिमिलर होगा तब वी विल बी वेरी हैप्पी। अदरवाइज अगर बोलना कुछ और करना कुछ और, हम कभी खुश नहीं रह सकते, और हम दूसरे की खुशी भी छीनेंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें दूसरे की खुशी नहीं छीननी, क्योंकि कई बार लोग अपने लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं, मैं ये 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 ये, लेकिन जब कोई दूसरा ये बोलता है या जब उन पर आती है, तब वो दूसरे पर ब्लेम 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 करना शुरू कर देते हैं। तो ये शायद बहुत गलत चीज है, क्योंकि तभी हमारी हैप्पीनेस खत्म हो जाती है। लेकिन एक चीज है, एक हमें जो बात का ध्यान रखना है, जो ध्यान रखना है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम हर कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति यहाँ रिश्ते नाते को ही नहीं थे, जैसे रूसो ने कहा है, एक फिलोसोफर है, उन्होंने कहा है, व्हेन वी आर बॉर्न वी आर फ्री बट देन वी आर इन चेन। कि जब हम बॉर्न होते हैं तब फ्री होते हैं, उसके बाद हम चेन में हो जाते हैं, और चेन बहुत सारे रीजन से हो सकती है। तो उस चेन में अगर हम बंधे हुए हैं, तब भी हमें अपने को फ्री ही रखना है, क्योंकि हम सबसे पहले इंसान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई बहुत किसी ने अगर हमें इस धरती में लाए, हम आए हैं, उत्पन्न हुए हैं, तो ये प्रकृति है, और हर चीज का एक साइकिल होता है। आप उसको साइंटिफिक नाम दे सकते हैं, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, एक साइकिल है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ह्यूमन मुझे दूसरों को देखना चाहिए, और शायद इसको देखने के बाद हम हैप्पीनेस को पा सके, क्योंकि एज ए ह्यूमन मैं आपको नोट करूंगी, एज ए ह्यूमन मैं आपको देखूंगी। अगर मैं रिश्ते नातों में घुस गई तो शायद चेहरे में स्माइल क्या, मुस्कुराहट क्या, हैप्पीनेस क्या, कुछ भी नहीं रहेगी। तो अगर हम एज ए ह्यूमन एक दूसरे को देखें, क्योंकि इंडिया में ये भी होता है, हम बड़े हैं तो हमारी सुनो, हम छोटे हैं तो हमारी केयर करो, हम बीच के हैं तो हम ही समझदार हैं, दूसरा जो कोई व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है उसकी शायद कोई बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता। तो इसलिए अगर आप खुश हैं, आपको लग रहा है मुझे ये नहीं करना, बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपको वह हैप्पीनेस नहीं दे रही, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। तो हैप्पीनेस का क्वेश्चन होता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस, खुश रहिए, और अपने अंदर चिंतन मनन जरूर कीजिए, हर बार थॉट कीजिए कि क्या है, क्या आप किस चीज की तलाश में है आप, और दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए ही कीजिए, क्योंकि सबसे पहले अपने लिए करेंगे तब शायद दूसरों का भला कर सकेंगे। और कई बार ये भी होता है कि अगर हम खुशी से किसी से कुछ कह रहे हैं तो जरूरी नहीं है हम वो चार लोगों के लिए कह रहे हैं, हम दुख से किसी से कुछ कह रहे हैं हम चार लोगों के लिए नहीं कह रहे, हम आपके लिए कह रहे हैं या एक इंसान के लिए कह रहे हैं, तो वो अपने तक रखें। ये नहीं कि हम चार लोगों 10 लोगों तक वो बात फैला रहे हैं, क्योंकि वही बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है, कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है, तो वो हैप्पीनेस ही खत्म हो जाती है, वो एक होता है ना कि इंजॉयमेंट खत्म हो जाती है। तो खुश रहिए, किसी से जेलिसी मत कीजिए, इनसिक्योरिटी मत रखिए, सेटिस्फाइड रहिए। अगर